मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं कि यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में
मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जी में रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था।